TCS InShort प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्या कहता है अनुच्छेद 142। सबसे पहले जानते हैं ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति को भरण पोषण का बकाया चुकाने के लिए उसकी पैतृक संपत्ति बेचने का निर्देश दिया है। इसके चलते भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 लगातार चर्चा में बना हुआ है। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 142 के बारे में। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के भाग 5 संघ के अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के तहत आता है। यह सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके मुताबिक शीर्ष अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो। जिस मामले में कानून नहीं बना हो, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत उन पर अपना फैसला दे सकता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। अनुच्छेद 142 एक कहता है कि इसके तहत दिया गया आदेश तब तक पूरे देश में संसद से पारित कानून की तरह ही लागू रहेगा जब तक कि इस संबंध में सरकार या संसद विशेष उपबंध नहीं कर दे। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश दे सके। ऐसा कानून अनुच्छेद 142(8) का उल्लंघन करने के लिए शून्य होगा। चलिए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण मामले। यूनियन कार्बाइड मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में भोपाल गैस आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। कोयला ब्लॉक आवंटन मामला। कोर्ट ने 2014 में इसका उपयोग गलत काम करने वालों को आवंटित कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने और अवैध रूप से उत्पादित कोयले पर जुर्माना लगाने के लिए किया था। हाईवे पर शराब बिक्री पर रोक मामला। कोर्ट ने 2016 में इसके तहत हाईवे के बाहरी किनारे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने को गैर कानूनी करार दिया था। शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाले हादसों से बचने के लिए यह फैसला किया गया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में कोर्ट ने पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया था। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण मामलों में न्याय देने की अनुमति देता है। इसके तहत पारित कोई भी डिक्री या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।